Alaikum, my dear students. My name is Neha Faisal. I am your journal knowledge teacher of grade 2. I welcome you all on the platform of Digital Academics provided by Moonlight International Publisher. Well students, today we will study chapter number 13 and the name of this chapter is Profession Occupations Around Us. First of all, I will discuss students' learning outcome. After completing this chapter, the student will be able to Number one, identify some professions from pictures. Teaching, farming, medicine, etc. Number two is recognize the role of some common profession in their daily lives. Number three is state which profession they like the most and why. तो प्यारे बच्चों क्या हम इस दुनिया में अकेले रह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं वी नीड वन अनादर टू सरवाइव क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हमें दवाई की जरूरत होती है और डॉक्टर हमें दवाई लिख कर देता है और जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम जहाज में जाते हैं और हमें उसके लिए पायलट की जरूरत होती है प्यारे बच्चों आप में से चंद लोग बड़े होकर पायलट और डॉक्टर बनेंगे और वो अपना काम खुद कर सकेंगे लेकिन तमाम लोग हर काम नहीं जानते और हर इंसान कोई ना कोई काम जानता है तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी अ जॉब और बिजनेस दैट वी डू टू अर्न मनी इज कॉल्ड प्रोफेशन पीपल टेक डिफरेंट प्रोफेशन सच एज टीचिंग लॉ एंड मेडिसिन एटसेट्रा तो प्यारे बच्चों अगर ये लोग ना होंगे तो हमारी जिंदगी धर्म भरम हो जाएगी क्योंकि हम एक दूसरे पर इंहसार करते हैं और हमें रहने के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत होती है तो प्यारे बच्चों आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं क्या आप लोग टीचर बनना चाहते हैं या आप लोग पायलट बनना चाहते हैं या आप लोग लॉयर बनना चाहते हैं या आप लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं नाउ आई विल टेल यू सम कॉमन नंबर वन टीचर टीच स्टूडेंट प्यारे बच्चों अगर टीचर नहीं होगी तो हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं हो सकेगा और अगर हम पढ़े और लिखेंगे तब ही हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता होगा और हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे नंबर टू अ डॉक्टर ट्रीट पेशेंट तो प्यारे बच्चों जब आप लोग बीमार होते हैं तो आप लोग डॉक्टर के पास आते हैं क्योंकि डॉक्टर ही आपका इलाज कर सकता है क्या ऐसा हुआ है कभी आप बीमार हो और आप मैकेनिक के पास चले जाए बिल्कुल नहीं क्योंकि डॉक्टर ही इंसानी जानों का ख्याल रखते हैं और उनकी देखभाल करते हैं और बीमारी के मुताबिक उनको दवाई फराहम करते हैं नंबर थ्री इज अ फार्मर ग्रो क्रॉप्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स तो प्यारे बच्चों क्या ऐसा मुमकिन है कि हम फलों सब्जियों के बगैर जिंदा रह सके बिल्कुल भी नहीं तो उन्हें उगाने के लिए हमें किसानों की जरूरत होती है इसीलिए हमें किसानों का बहुत अदब और एहतराम करना चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए पाकिस्तान के बहुत ज्यादा लोग देहातों में रहते हैं और वो दिन और रात फसलों में काम करते हैं और प्यारे बच्चों ये आप लोग सब जानते ही होंगे कि पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री तो पाकिस्तान के बहुत ज्यादा लोग खेतों में काम करते हैं और हमारे लिए फसलें फल सब्जियां उगाते हैं जिन्हें खाकर हम सेहत और तवाना रहते हैं नंबर फोर्थ इज प्यारे बच्चों क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप लोगों के घर में जो आप लोगों का फर्नीचर है यानी कि आपका बेड टेबल चेयर वो किसने बनाई है तो जी हाँ वो कारपेंटर ने बनाई है क्योंकि फर्नीचर कारपेंटर बनाता है आपको जिस तरह का भी फर्नीचर चाहिए हो आप कारपेंटर की मदद से बनवा सकते हैं नंबर फाइव प्यारे बच्चों जब आप लोगों का जूता टूट जाता है तो आप लोग किससे सिलवाते हैं जी हाँ आप लोग मोची से यानी के कोबलर से अपना जूता सिलवाते हैं तो मोची जूता सिलाई करता है नंबर फाइव प्यारे बच्चों क्या आप लोगों में से अपने बाल कोई खुद काटता है बिल्कुल भी नहीं प्यारे बच्चों अभी आप लोग बहुत छोटे हैं और आप लोग अपने बाल खुद नहीं काट सकते इसीलिए हम अपने बाल कटवाने और दीगर चीजों के लिए बार के पास जाते हैं प्यारे बच्चों क्या आप लोगों ने कभी हवाई जहाज की सैर की है या कभी आप लोग हवाई जहाज में एक जगह से दूसरी जगह गए हैं तो क्या आप लोग जानते हैं कि हवाई जहाज कौन चलाता है तो जी हाँ पायलट हवाई जहाज चलाता है और वो हमें एक जगह से दूसरी जगह बा आसानी पहुंचा देता है प्यारे बच्चों क्या आप लोगों में से कोई बड़े होकर पायलट बनना चाहेगा प्यारे बच्चों जब आप लोगों की गाड़ी मोटरसाइकिल या कोई भी मशीन खराब होती है तो क्या आप लोग उसे खुद ठीक करते हैं जी नहीं बल्कि आप उसे ठीक करवाने के लिए मैकेनिक के पास जाते हैं जो आप लोगों की मोटरसाइकिल गाड़ी और दीगर मशीनों को ठीक करता है तो प्यारे बच्चों ये शोबे बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इनके बगैर हमारी जिंदगी मुमकिन ही नहीं क्योंकि कोई भी इंसान तमाम काम नहीं जानता माई डियर स्टूडेंट्स नाउ आई विल शो यू सम पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कौन सा प्रोफेशन है लुक एट दिस पिक्चर क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा प्रोफेशन है तो जी हाँ बिल्कुल ये टीचर है और टीचर क्या काम करती है तो आप लोग सब जानते हैं कि टीचर अपने तालब को पढ़ाती हैं वो ना सिर्फ तालब इलमों को पढ़ाती हैं बल्कि दीन और दुनिया में रहने के तरीके भी बताती हैं सेकेंड पिक्चर इज क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये तस्वीर किसकी है तो जी हाँ ये तस्वीर कोबलर की है तो प्यारे बच्चों अब आप लोग मुझे बताएं कि कोबलर क्या काम करता है जी हाँ कोबलर जूते सिलाई करता है एंड द थर्ड पिक्चर इज फार्मर एग्जैक्टली प्यारे बच्चों अब आप लोग मुझे बताएं कि फार्मर हमारी जिंदगी में क्या किरदार अदा करता है तो जी हाँ फार्मर हमारे लिए फल सब्जियां उगाता है जो कि इंसानी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एंड द फोर्थ पिक्चर इज मकैनिक एग्जैक्टली तो प्यारे बच्चों आप लोग मुझे बताएं कि मकेनिक क्या काम करता है और हम मकैनिक के पास कब और क्यों जाते हैं तो जी हाँ हम मकैनिक के पास तब जाते हैं जब हमारी गाड़ी मोटरसाइकिल या कोई भी मशीन खराब हो जाए क्योंकि मकेनिक इन चीजों को सही कर देता है नेक्स्ट पिक्चर इज क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सा प्रोफेशन है तो जी हाँ ये एक पायलट है तो प्यारे बच्चों क्या पायलट ट्रेन उड़ाता है बिल्कुल भी नहीं ट्रेन जमीन पर चलती है जबकि जहाज हवा में उड़ता है तो पायलट जहाज उड़ाता है और हमें एक जगह से दूसरी जगह आसानी पहुंचाता है तो प्यारे बच्चों अब आप लोग मुझे बताएं कि इन तमाम प्रोफेशन में से आप कौन सा चूज करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों कोई भी प्रोफेशन हो हमें चाहिए कि हम उनका इज्जत और एहतराम करें चाहे वो टीचर हो पायलट हो या स्वीपर हो या कोबलर हो हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए और उनसे प्यार और मोहब्बत से बात करनी चाहिए क्योंकि ये सब हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं प्यारे बच्चों अब आप लोग मुझे बताएं कि आप और आपके दोस्त बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और उसकी एक लिस्ट बनाएं कि आप लोग कौन सा शोभा इख्तियार करना चाहते हैं क्या आप टीचर बनना चाहते हैं या आप लॉयर बनना चाहते हैं या आप बड़े होकर हवाई जहाज चलाना चाहते हैं नाउ माई डियर स्टूडेंट यू हैव टू पेस्ट अ पिक्चर ऑफ द प्रोफेशन यू वॉन्ट टू बी इन द फ्यूचर और आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग ये शोभा क्यों इख्तियार करना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट नेम ऑफ द प्रोफेशन यानी कि आप कौन सा शोभा इख्तियार करना चाहते हैं एंड द सेकेंड वन इज वाई आई वॉन्ट टू बी कि आप ये शोभा क्यों इख्तियार करना चाहते हैं अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं क्योंकि आप गरीब और बीमार लोगों का इलाज करना चाहते हैं अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आप पायलट क्यों बनना चाहते हैं क्योंकि आप जहाज में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं वेल well, स्टूडेंट्स आप चाहे कोई भी प्रोफेशन इख्तियार करें लेकिन आप लोगों को चाहिए कि आप सच्चे दिल से उसके लिए मेहनत करें वेल दैट इज ऑल आई हैव फॉर आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर स्टे ट्यून अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज